तनाव कम करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज आपको जानकारी करनी है और वो है हमारी ईगो। हिंदी में इसको हम लोग अहंकार बोल सकते हैं और कभी कभी अना भी बोलते हैं। ये हमारी सारी तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये ईगो क्या है पहले बताऊंगा और ईगो कम करने का तरीका क्या है ये भी बताऊंगा आपको। देखिए, ईगो का मतलब है कि मैं अच्छा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास के सारे लोग अपने से मेरे को कंपेयर करें और मेरे को भाबा दे और मेरे से अपने आप को इन्फीरियर मान ले और मेरे को सुपीरियर मान ले। ये है ईगो वाले की प्रॉब्लम। अरे, आप पढ़ाई लिखाई किए हुए हो, आप देखने अच्छे हो, आपके क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी फ़िज़िकल अच्छी है, जो जो अच्छी है ठीक है यार, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ईगो वाले की प्रॉब्लम है कि मेरी अच्छाइयाँ आप अप्रिशिएट करो और अपने से अच्छा मानो मेरे को। ये प्रॉब्लम हर जगह हो रही है आजकल। फैमिली में एक दूसरे को ईगो दिखाने की कोशिश है कि मैं बड़ा हूँ तुम मानो। अच्छा, अगर ईगो वालों को आप नहीं मानोगे तो आपसे झगड़ा हो जाएगा और आपसे टेंशन हो जाएगी, आपकी भी ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह बढ़ेगी और उसकी भी बढ़ेगी। तो ईगो वाली की एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई उसको अप्रिशिएट ना करे तो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने का मतलब है आपके बॉडी में सारी गड़बड़ें चालू होना, क्योंकि उस वक्त एड्रेनालिन रिलीज होगा और वहीं से सारी आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कम होना, सारी चीज़ें होती रहेगी। अब आते हैं ईगो का असर, तो आपने समझ लिया, अब ईगो कम करने का क्या तरीका है। देखिए, आप अच्छे हैं तो किसी से बुलवाने की क्या ज़रूरत है? धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि आप अच्छे हैं और लोग अपने आप अप्रिशिएट करेंगे। आपके सामने ना करें तो पीछे तो करेंगे ही, तो आपको किसी से कहलवाने का ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आपकी क्वालिटी कभी छिपी नहीं रहेगी लोगों से। मैं कभी कभी सोचता था कि यार इसका और कोई सरल उपाय हो जाए ईगो कम करने का। तो मैं एक दिन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्लास कर रहा था, मैंने अपने जितने सुन रहे थे उनको हमने पूछा भाई ईगो कम करने का उपाय क्या है। तो एक आदमी पीछे से हाथ उठाया, सर मुझे मालूम है। मैं बोला आप बताओ। तो उसने बोला सर हारमोनी। मैं बोला हारमोनी का क्या मतलब है? बोला आप लिखिए बोर्ड में। तो मैंने बोर्ड में लिखा हारमोनी। तो उसने बोला सर अब इसको हिंदी में बोल के देखिए। तो मैंने बोला इसको हार मानी। तो बोला बस यही है, अगर ईगो कम करना है तो हार मानने का आदत डाल दो। आप दूसरे को बोलो भाई हाँ तुम में जो क्वालिटी है वो मेरे में नहीं है, बस इतना ही बोलना है, आपकी ईगो कम। आपको दूसरे की अच्छाइयाँ देखनी है और अपने से कंपेयर करना है। ये नहीं कि आप अपनी अच्छाइयाँ, दूसरे की बुराइयाँ, दूसरे की कमियाँ देख के आप कंपेयर करो। तो हार मानने का आदत डाल दिया अगर ईगो वाला कि चलो मैं तुमसे कमी में हूँ। तो हर वक्त कोशिश करिए, ईगो वालों को हम लोग हर वक्त बोलते हैं कोशिश करिए अपनी अच्छाइयाँ नहीं देखिए, दूसरे की अच्छाइयाँ देखिए और अपनी कमियों से कंपेयर करिए। और आप उल्टा कर रहे थे अभी तक, दूसरे की कमियाँ और अपनी अच्छाई को कंपेयर करते हैं। तो हार मानने का आदत डाल देंगे तो आपकी सारी ईगो कम हो जाएगी। हर कोशिश रखिए, हर वक्त जब भी अना की बात हो, जब भी ईगो की बात हो, अहंकार की बात हो, हार मानने वाला आदत डालिए एंड दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो एनीवे, आज मैं यहीं पे विदा लूँगा। इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुँचाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। हार्ट के लेक्चर्स मेरे जरूर सुनिएगा क्योंकि हार्ट के ऊपर हमारा स्पेशलाइजेशन है। हम चाहते हैं कोई को भी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट की ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, और उसी का निरंतर कोशिश करते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी बहुत सारी लोगों को हेल्प करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।